मैं नहा धोवा के निकल चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ पूजा करने। पूजा करने से पहले मैं सोच रही हूँ ये चूड़ी चेंज कर लेती हूँ आज, क्योंकि सरस्वती पूजा है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी हैप्पी सरस्वती पूजा। अच्छे से घर पे पूजा कीजिए। जो बच्चे हैं वो बहुत आज एक्टिव रहते हैं, बहुत जगह सरस्वती पूजा की पंडाल लग रही होगी, लगी होगी, और पूजा पाठ में बच्चे लगे होंगे। तो सारे बच्चों को माँ सरस्वती बहुत सारा विद्या दे, और जो ज्ञान की देवी हैं। और मैंने चूड़ियाँ निकाल ली हैं चूड़ियाँ पहनने के लिए। और चूड़ी पहनने के बाद थोड़ा सा मतलब क्रीम वगैरह लगा के, लिपस्टिक वगैरह लगा के फिर मैं पूजा करूँगी। सज संवर के पूजा करना बहुत अच्छा होता है कहते हैं। और फिर मुझे आलता भी लगाना है, तो वो मैं ये देख सकते हैं। ये मैंने चूड़ियाँ निकाल ली हैं, ये येल्लो आज मैंने पहना है, ये येल्लो चूड़ियाँ ये, और कुछ ये कलरफुल चूड़ियाँ हैं, और ये नई चूड़ियाँ, ये अभी तक मैंने पहनी नहीं है। ये मेरी ननद ने मुझे दिया था जब मैं उनके घर फर्स्ट टाइम गई थी। सो ये भी काफ़ी प्यारी है और मेरे ड्रेस के साथ मैच भी करेंगी। तो चलिए मैं चूड़ियाँ पहन लेती हूँ। फाइनली आप देख सकते हैं ये मेरे ड्रेस से भी मैच कर रहा है, ये चूड़ियाँ मैच कर रही है ना, सुंदर लग रही है। कलरफुल येलो ग्रीन रेड का कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आज बहुत दिन बाद मैंने चूड़ियों को चेंज किया है, फिर मैं मतलब शाम में चेंज करके ही सोऊंगी, नहीं तो ये लाख की चूड़ी है ना ख़राब हो जाएगी पानी लगने से। और काफ़ी प्यारी चूड़ी लग रही है, दोनों हाथ में मैंने डाल लिया है चूड़ी, आप देख सकते हो। ये जो आपको लास्ट वाली चूड़ी दिख रही है ना जिसमें ये लटका हुआ है, एक्चुअली ना ये मतलब कांच की चूड़ी है, कांच की एक चूड़ी हाथ में होनी चाहिए। और ये मेरी शादी की चूड़ी है, मतलब शादी होने के टाइम पे मैंने ये कांच की चूड़ी डाली हुई थी, तो उसमें से एक एक चूड़ी मैंने दोनों हाथ में डाली है, अभी तक मैंने खोली नहीं है। सो इसलिए वो ऐसा दिख रहा है। और भी ये पता नहीं कहाँ रखा है मैंने, उसको चेंज कर देती, बाद में चेंज कर लूँगी, कोई बात नहीं। तो थोड़ा सा फेस ठीक कर लेती हूँ और उसके बाद पूजा करूँगी।